अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे मंच न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाएं। तब क्या हो जब कानून के रक्षक बने लोग कानून तोड़ने वालों को ही आश्रय देना शुरू कर दें। ऐसा ही कुछ मामला प्रकाश में आया थाना वृंदावन क्षेत्र में। हम आपको बता दें कि एसएसआई अवधेश कुमार गुरुवार की रात लगभग 12 बजे अपनी टीम कांस्टेबल विजयपाल, अभिषेक और पवन के साथ गश्त पर थे। पुलिस टीम अटल्ला चुंगी से रेलवे क्रॉसिंग की तरफ पहुंची ही थी, तभी रेलवे पटरी के सहारे दो युवक जाते दिखाई दिए। पुलिस ने जब इन्हें रोका तो इन्होंने पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद राहुल उर्फ झुनझुन निवासी रतन छत्री वृंदावन और दूसरा साथी रामवीर निवासी रतन छत्री वृंदावन दोनों को ही दबोच लिया। वही इनका तीसरा साथी निकल भागने में सफल रहा। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्तों ने दो घटनाओं का इकबाल किया है, जिनमें 1.5 माह पहले हरि निकुंज पानी की टंकी के नीचे गाड़ी का शीशा तोड़कर एक पर्स चुराया था, जिसमें 3,000 रुपए मिले थे। वहीं दूसरी घटना 10 दिन पहले की है, जहां महाराष्ट्र से आई एक बस रेलवे क्रॉसिंग के सहारे खड़ी थी। इन्होंने बस में घुसकर एक स्टीरियो और एक बैग की चोरी की थी, जिसमें इनको 7,000 रुपए मिले थे। पुलिस ने इनके कब्जे से दो तमंचा और 4 कारतूस और खोखे के साथ 12,000 रुपए की नकदी भी बरामद की। वहीं पकड़े गए अभियुक्त राहुल ने घटना का मास्टरमाइंड रमन रेती चौकी पर तैनात सुरेंद्र सिंह यादव का नाम लेकर सनसनी फैला दी। आरोपी राहुल उर्फ झुनझुन का कहना है कि रमन रेती चौकी पर तैनात होमगार्ड सुरेंद्र यादव ही उन्हें बियर पिलाकर घटनाएं करवाता था और कहता था कि जो होगा मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। राहुल ने दोनों घटनाएं कबूल करना स्वीकार किया है। इधर पुलिस भले ही लूट और चोरी की घटनाओं का खुलासा कर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन आरोपियों की माने तो इस पूरे मामले में कहीं न कहीं खाकी भी तार तार हुई है। अब देखना होगा कि क्या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आरोपी होमगार्ड पर कार्यवाही अमल में लाते हैं या मामले की लीपापोती की जाएगी। राहुल, कब से घटना अंजाम दे रहे हो? सर अभी से एक होमगार्ड था सुरेंद्र नाम का, 2-3 घटना उसने करवाई थी। उसने करवाई थी सर? उसने कही कि कोई बात आएगी मैं देख लूंगा, वही हमारा हमको बीआर पीआर बुलाता था, वही हमारे साथ रहता था। उसने कराया, तुमने मान लिया? सर ऐसी बातों में आके मान लिया हमने। कितनी घटनाएं कर चुके हो? मुझे 1-2 घटना करी है बस। और हिस्सा कैसे देते थे? उसको ही देते थे और वो मैं जो 3 नंबर देते थे। किसका नाम क्या? रामवीर और मैं और सुरेंद्र। कहाँ पर तैनात थे? नहीं सर, कहाँ पर तैनात है जिसका नाम ले रहे हो? जी रमन रेती चौकी पर, होमगार्ड है सर। जी सर, क्या सफलता हाथ लगी? रात को मैं तथा मेरी टीम में कांस्टेबल विजयपाल, अभिषेक और पवन आदि गश्त में थे, तो करीब 12 बजे जैसे ही हम लोग रेलवे फाटक पर पहुंचे अटल्ला चुंगी की तरफ, तो दो व्यक्ति जयपुर मंदिर के पीछे जो बाउंड्री है वहां पर रेलवे लाइन के किनारे खड़े हुए थे, जो जैसे ही हमने अपनी गाड़ी रोकी, प्राइवेट गाड़ी थी, तो ये पीछे मुड़ के चल दिए। गाड़ी से उतर के हमने इनका पीछा किया तो इन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया अपने आप को बचाते हुए और इनको अरेस्ट किया गया। इनके पास से एक एक तमंचा, कारतूस और नाल में चैम्बर में एक एक खोखा राउंड मिला। इसके बाद थाने पर लाकर इनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो इन्होंने 2 घटनाएं चोरी की स्वीकार की, जिसमें एक अभी करीब 1.5 माह पहले हरि निकुंज पानी की टंकी के नीचे गाड़ी का शीशा तोड़कर करीब शाम को रात 7-8 बजे एक पर्स चुराया था, उसमें इनको 3,000 रुपये मिले थे तथा एक मोबाइल वगैरह था। तो मोबाइल तो इन्होंने जो रेलवे लाइन का पुल है उससे नीचे फेंक दिया था पकड़े जाने के डर से, और रुपये आपस में बांट लिए थे। और दूसरी घटना, इन्होंने अभी करीब 10 दिन पहले रेलवे क्रॉसिंग के ही पास एक बस आई हुई थी महाराष्ट्र से, तो उस बस में घुसकर उसका डैक स्टीरियो चोरी किया था और एक बैग चोरी किया था, जिसमें करीब 17,000 रुपये इन्होंने मिले थे। स्टीरियो इन्होंने किसी मैजिक वाले को बेच दिया 1,000 रुपये मात्र में, और उसके बाद बराबर बराबर पैसे बांट लिए और रुपयों की बरामद की इनके घर से इनकी निशानदेही पर रात्रि में ही की गई। कितने रुपए बरामद? जो पहली घटना हुई थी हरि निकुंज वाली, उसमें इनके पास 1,000 रुपये शेष बचे थे इनके कहने के मुताबिक, और दूसरी घटना में इनके पास से 5,000 रुपये बरामद किए गए। बाबा कड़ेरा सिंह विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी आवासीय स्कूल
ग्राम अखा गोवर्धन सौंक मार्ग मथुरा। यहां आपके बच्चों को मिलता है 50 एकड़ में फैला विशाल हरा भरा विद्यालय प्रांगण। सीबीएसई बोर्ड द्वारा 10 परीक्षार्थियों को विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, बोर्ड कक्षाओं का 100% परीक्षा फल, एनसीसी एवं एनएसएस की ट्रेनिंग, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, वातानुकूलित भोजनालय, पोषक शाकाहारी आहार, विद्यालय की निजी गौशाला से छात्र छात्राओं हेतु गाय के शुद्ध दूध की व्यवस्था, छात्रावास से विभिन्न 9 राज्यों के 550 छात्र छात्राएं अध्ययनरत, 24 घंटे अनुभवी गार्ड और गनमैन द्वारा कड़ी सुरक्षा, योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य। छात्रावास में छात्र की कुल फीस 80,000 से 1,00,000 तथा छात्राओं के लिए 60,000 से 75,000। अत्याधुनिक एवं सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, आर्ट और कंप्यूटर लैब के माध्यम से शिक्षण कार्य, करंट मैगजीन, न्यूज़पेपर और 5,000 से भी अधिक पुस्तकों से सुसज्जित विशाल पुस्तकालय। शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ साथ छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए 16 विभिन्न हॉबी क्लब जैसे योगा, कुकिंग, जूडो, कराटे, कॉइन कलेक्शन, इंडोर आउटडोर गेम्स और ओपन स्काई थिएटर। कक्षा 1 से 9 और 9 से 11 ऑल स्ट्रीम प्रवेश परीक्षा 18 मार्च 2018 रविवार सुबह 10 बजे से। तो जल्द कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 7055021012, 9557369469।